हरे कृष्णा। हमारे साप्ताहिक भगवद गीता के सातवें अध्याय के चर्चा सत्र में सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रय कपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हमारे पिछले सत्र में हमने गीता के सातवें अध्याय के पांचवें श्लोक के ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। श्लोक हमने देखा था, अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। तो इस श्लोक में भगवान, हमने देखा था चौथे श्लोक में भगवान ने अपनी अपरा प्रकृति का वर्णन किया था, जो आठ तत्वों से बनी हुई है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। अभी पांचवें श्लोक में भगवान अपनी परा प्रकृति के बारे में बताते हैं। हे महाबाहो, हे अर्जुन, इयम अपरा, अभी जो मैंने आपको बताया चौथे श्लोक में, वो तो अपरा है। इतः तु अन्याम, इससे और एक अन्य विपरीत में पराम प्रकृति, मेरी एक परा प्रकृति है जो कौन से नाम से जानी जाती है, जीव भूताम, जो जीवात्माएं हैं वो परा प्रकृति में आते हैं। विद्धि, इसे आप समझो जानो। यया इदम जगत धार्यते, जिसके द्वारा इस जगत को धारण किया गया है उसे आप समझो, उसे आप जानो, ऐसा भगवान ने कहा था। तो इसमें हमने विस्तार से भी देखा था कि इयम अपरा, यह अपरा प्रकृति है। कौन सी? भगवान ने पिछले श्लोक में, मतलब चौथे श्लोक में, जो अपनी आठ प्रकृतियों के बारे में बताया था वो अपरा प्रकृति है, जिसका भी मैंने गणना की थी। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार एवच, तो ये आठ घटक तत्व वो अपरा प्रकृति है। और अभी ये जो इतः तु अन्याम, किंतु इससे भिन्न, अन्याम शब्द का प्रयोग किया गया है। आज अन्याम का अर्थ मैंने आपको बताया था कि विजातीय, मतलब इससे बिल्कुल विपरीत। ये जो अभी घटक तत्व बनाए थे वो तो भौतिक, इससे विपरीत तत्व वाली बिल्कुल ऐसी प्रकृति के बारे में भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा, जिसका नाम है अपरा प्रकृति। क्या है वो? मैं पराम जीव भूताम प्रकृति, मेरी जीव रूपी परा प्रकृति। तो हमने अपरा और परा प्रकृति इन दोनों में भेद स्पष्ट किया था। अपरा प्रकृति जो है वो निकृष्ट है, जड़ है, और जिसमें परिवर्तन होते रहता है, वो परिवर्तनशील है। उसके विपरीत परा प्रकृति जो है वह श्रेष्ठ है, चेतन है, और वो अपरिवर्तनशील है। अपरा प्रकृति भौतिक तत्वों से बनी हुई है, परा प्रकृति आध्यात्मिक स्फुल्लिंग से बनी हुई है, जिसे हम लोग आत्मा या जीव नाम से जानते हैं। लेकिन हमने चौथे और पांचवें श्लोक में देखा था कि दोनों जगह भगवान कहते हैं कि ये मेरी प्रकृति है। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, अपरा प्रकृति यानी भौतिक तत्व आठ घटक, और परा प्रकृति यानी जीवात्मा, ये दोनों ही प्रकृतियां भगवान श्री कृष्ण की है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं प्रकृति, ये मेरी प्रकृति है, तो दोनों भगवान की ही है। पिछली बार हमने ये भी देखा था कि भगवान की तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, तटस्था और बहिरंगा। अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक संसार से संबंध रखती है, बहिरंगा शक्ति भगवान की इस भौतिक संसार की प्रकृति, जो अपरा प्रकृति से नाम से जानी जाती है, और तटस्था का अर्थ है परा प्रकृति या जीवात्मा। और उसे तटस्था क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी हमने देखा था कि
जैसे एक उदाहरण दिया था हमने, समंदर के तट के ऊपर यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो एक समंदर की तुलना यदि हम लोग अंतरंगा शक्ति से करेंगे और जो सूखा सूखी भूमि है वो यदि बहिरंगा हो गई तो इन दोनों के बीच में एक तट होता है जो कभी गीला होता है कभी सूखा होता है, तो उसे कहते हैं तट। और तट के ऊपर स्थित इसलिए तटस्था। तो ये तटस्था शक्ति, जीवात्मा भी उसी प्रकार से तटस्था शक्ति का अंग है, क्योंकि वो चयन करे तो आध्यात्मिक संसार में रह सकता है, चयन करे तो भौतिक संसार में भी रह सकता है, चयन करे तो अंतरंगा शक्ति के अधीन, चयन करे तो बहिरंगा शक्ति के अधीन। इसलिए 9वें अध्याय का 13वां श्लोक हमने गीता का देखा था कि महात्मा व्यक्ति कौन है जिसने अंतरंगा शक्ति के अधीन रहने का निश्चय कर लिया है, वो महात्मा है। महात्मा नस्तु मामपार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः, कि दैवी प्रकृति का उन्होंने आश्रय लिया रहता है वो है महात्मा। तो हमने इस प्रकार से ये तीन शक्तियों के बारे में देखा था, वास्तव में ये देखने के लिए कि परा और अपरा कहाँ पर स्थित है भगवान की विभिन्न शक्तियों में। यया इदम जगत धार्यते, जिसके द्वारा यह जगत जो है वो धारण किया गया है, धारण किया जाता है। केवल इस परा प्रकृति जीव ने इसको जगत रूप से धारण कर रखा है, अर्थात जीव इस संसार की स्वतंत्र सत्ता मानकर अपने सुख के लिए इसका उपयोग करने लग गया है, इसी से जीव का जो है वो बंधन हुआ है। अगर जीव संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानकर केवल भगवत स्वरूप ही माने तो उसका जन्म मरण रूपी जो बंधन है वो मिट जाएगा। तो हमने ये देखा था किस प्रकार से भौतिक संसार के और सुख बुद्धि और उसका ही केवल उपयोग करने लग जाता है, भगवान की स्वतंत्र सत्ता न मानते हुए इस भौतिक प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता मान लेता है और उसका ही आश्रय लेता है, यही बद्ध जीवात्मा का बद्धता का कारण है। भगवान की परा प्रकृति होकर भी जीवात्मा ने इस दृश्यमान जगत जो कि अपरा प्रकृति है उसे धारण कर रखा है, अर्थात इस परिवर्तनशील विकारी जगत को स्थायी सुंदर और सुखप्रद मानकर मैं और मेरा रूप से धारण कर रखा है। तो यह धार्यते, धारण कर रखा है। तो किसने किसको धारण कर रखा है इसकी हमने चर्चा की थी कि इस जीव ने जगत को धारण करके रखा है। किस माध्यम से धारण कर रखा है उसने कि मैं हूं ये शरीर और ये भौतिक प्रकृति सारी मेरे लिए है, ये मेरी है, मेरे उपभोग के लिए है। वास्तव में ये भगवान की शक्ति वो भूल गया है और स्वयं भगवत विमुख होकर प्रकृति के सम्मुख हो गया है और प्रकृति का उपभोग ले रहा है, जिसके कारण इस जगत को धारण कर रखा है, क्योंकि फिर उसका जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, वही तो धारण है। यदि वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए तो प्रकृति का इस जगत का धारण ही नहीं होगा। तो यया इदम जगत धार्यते, जिसने यया का अर्थ होता है इस जीवात्मा ने या इस परा प्रकृति ने इदम जगत धार्यते, इस जगत का जो है वो धारण कर लिया है। और इसलिए हमने देखा था ये सुखप्रद मानकर जो मैं और मेरापन है, वो मैं और मेरा, इसको गीता में अलग जगह पर ऐसे संबोधन किया गया है कि मैं हूं इसलिए मुझे भोग चाहिए और ये मेरा है इसका मुझे संग्रह करना है। तो मैं और मेरा ये भोग और संग्रह की प्रवृत्ति हमारे अंदर जागृत कर देते हैं। और गीता में भगवान कहे दूसरे अध्याय में कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाध होना विधीयते। वह व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता जब वह भोग और ऐश्वर्य करते संग्रह में प्रवृत्ति अपनी रखता है। तो भोगों से जो है वो संयोग जन्य सुख होता है और संग्रह से अभिमान जन्य सुख होता है। भोग से संयोग जन्य सुख मतलब मुझे भोग लेना है तो वो उसका संयोग करना चाहता है इंद्रियों का और विषय वस्तुओं का, तो उसे कहते हैं संयोग जन्य सुख। और संग्रह करने से ये मेरा है, ये मेरा है, इतना सबका मैंने संग्रह कर लिया है, इससे अभिमान जन्य सुख होता है कि देखो मैं कितना महान हूं, मेरे पास क्या कुछ नहीं है। और इस सुखाशक्ति से ही जीव ने जगत को जगत रूप से धारण कर रखा है। इसलिए इस सुखाशक्ति के कारण ही यह जगत हमें भगवत स्वरूप नहीं दिखाई देता, हम अपने आप को भोक्ता मान बैठते हैं और इस दृश्य जगत को भोग सामग्री के रूप में स्वीकार करके सदैव उसका भोग लेना चाहते हैं, लेकिन जानते नहीं है कि भगवान स्वयं भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, 5वें अध्याय में गीता में भगवान कहते हैं कि भगवान वास्तव में सभी के, सभी वस्तुओं के, सभी घटकों के भोक्ता है और संपूर्ण सृष्टि के मालिक है।
यदि जीव यह जान ले और इस भौतिक संसार से अपनी आसक्ति हटा के यदि वो भगवान में लगा ले तो उसका बंधन जो है वो मिट सकता है। भगवान कहते हैं इसे तुम जानो विद्धि, इसे समझो। और भगवान ने विशेष रूप से अर्जुन के लिए महाबाहु शब्द का प्रयोग किया है कि ऐसे महाबाहु, बाहु का अर्थ होता है हाथ, जिसके बाहुओं में बल है, बाहुबली, ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को, बलशाली व्यक्ति को महाबाहु कहते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को महाबाहु ही क्यों पुकार रहे इस श्लोक में, हमने दो कारण देखे थे। सर्वप्रथम, हे अर्जुन तुम बड़े शक्तिशाली हो, इसलिए तुम अपरा और परा प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ हो, अतः तुम इसको समझो कि आप भेद, अपरा और परा के भेद को समझने के लिए आप सक्षम हो, समर्थ हो, इसे समझने का प्रयास करो, वो वास्तव में बल है। और दूसरा, श्री कृष्ण अर्जुन को महाबाहु कहकर यह भी संकेत कर रहे हैं कि कोई भी जीव चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु वह श्री कृष्ण से स्वतंत्र नहीं हो सकता। कोई भी जीव अपने बल पर सुखी नहीं हो सकता, उसे श्री कृष्ण का आश्रय लेना ही होगा। तो इसलिए महाबाहु कह के अर्जुन को भगवान संकेत दे रहे कि हालांकि तुम्हारे भुजाओं में बल है, लेकिन मुझसे स्वतंत्र होकर भोग नहीं कर सकते, हमें भगवान का आश्रय लेना ही होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान ने अपनी परा प्रकृति और अपनी अपरा प्रकृतियों के बारे में बताया था। चौथे श्लोक में परा प्रकृति जो आठ घटकों से बनी हुई है, और पांचवें श्लोक में परा प्रकृति जो जीवात्मा के द्वारा बनी हुई है। तो इन दो प्रकृतियों के बारे में बताने के पश्चात इन दो प्रकृतियों के द्वारा भगवान स्वयं कैसे सृष्टि आदि करते हैं यह बताएंगे। ये दो प्रकृतियां तो है वो भगवान की है, भगवान के अधीन ही है, और उन अधीन प्रकृतियों के द्वारा भगवान स्वयं कैसे सृष्टि और प्रलय करने वाले हैं, भगवान कैसे इन दोनों प्रकृतियों के स्वामी हैं, यह बताएंगे छठे श्लोक में, जिसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणित्युपधारय अहम् कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हम अन्वय देखेंगे और सर्वप्रथम शब्दार्थ, शब्द विच्छेद देखेंगे। जी दिव्य कृष्ण, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, सब लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं, दो दो बार हम एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय। यहाँ पे ण ह्रस्व है, ई उसमें सम्मिलित हो जाके वो दीर्घ बन जाता है, अकह सवर्णे दीर्घ इस नियम के अनुसार, और जो ऊ है वो य में परिवर्तित हो जाता है, पाणिनि का इकोयणाचि सूत्र है, ये ई निकल के यहाँ पर ई और ऊ एकत्रित आके य बन जाता है, और संधियुक्त शब्द बनता है सर्वाणित्युपधारय। अहम् कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। संधियुक्त शब्द बन जाता है, ये विसर्ग सकार में परिवर्तित हो जाता है, प्रलयस्तथा। पूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणित्युपधारय अहम् कृत्स्नस्य जगतः
अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा प्रभवः प्रलयस्तथा सुंदर धन्यवाद हरे कृष्ण मीना जी मैंने आपको अनम्यूट किया है हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण भूतानि सर्वाणीत्युपदारय अहम् कृतस्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा कृत्स्नस्य यहाँ पर त को स स को न कृत्स्नस्य जगतः सुंदर कृत्स्नस्य जी प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग दीप्ति चौबे माताजी मैंने हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी आप रुकिए मेरे पीछे बोलिए सब एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम् कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा विश्वजीत मैंने आपको अनम्यूट किया है विश्वजीत हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रमाण हरे कृष्णा एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम् कृत्स्नस्य जगतः प्रलयस्तथा उत्तम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम धन्यवाद तो अभी हम श्लोक का अन्वय देखते हैं सर्वाणि भूतानि सारे जीव एतद्योनिनि का अर्थ है कि उनका जन्मस्थान योनि का अर्थ होता है जन्मस्थान तो एतद्योनिनि का अर्थ है कि सारे जो जीव है सारे सर्वाणि भूतानि इनका जन्मस्थान एतद् इसमें है जो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति जो अभी तक हम लोग देख चुके हैं तो सारे जीव उनका अस्तित्व उनका उदय जो होता है तो एतद् योनिनि परा और अपरा के संयोग से ही उनका जन्म होता है सभी का इति उपधारय इसको अच्छे से समझो हे अर्जुन कृत्स्नस्य जगतः ये कृष्णस्य कुछ लोग बोलते हैं कभी कभी गलत उच्चारण कहते हैं ये कृष्ण नहीं ये कृत्स्नस्य है कृत्स्नस्य का अर्थ होता है कि संपूर्ण कृत्स्नस्य जगतः संपूर्ण जगत के भगवान कहते हैं अहम मैं प्रभवः तथा प्रलयः उनका स्रोत उगम स्रोत मैं ही हूं और उनका प्रलय मैं ही कराता हूं या प्रलय के पश्चात वो मुझ में ही समा जाते हैं तो इनका उद्गम और उनका प्रलय मैं ही हूं ऐसा भगवान बताते हैं तो आइए देखते हैं एक एक शब्द को अच्छे से सर्वप्रथम सर्वाणि भूतानि एतद् योनिनि जैसे हमने कहा था सारे प्राणियों का उद्गम इन दो परा और अपरा शक्तियों में है सारे प्राणियों का उद्गम सर्वाणि भूतानि का अर्थ है सारे प्राणी और योनि का अर्थ मैंने आपको बताया कि उद्गम स्थान जन्म स्थान तो सर्वाणि भूतानि सारे प्राणियों का योनिनि उद्गम स्थान एतद् योनिनि एतद् ये है कौन है परा और अपरा प्रकृति तो संपूर्ण प्राणियों का जो भी प्राणी हम लोग देखते हैं स्थावर जंगम चल अचल सारे प्राणियों का उद्गम स्थान केवल ये परा और अपरा शक्तियों में ही है जितने भी देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि जंगम का अर्थ होता है चलने वाले और वृक्ष लता घास इत्यादि स्थावर करता तो है जो घूमते नहीं एक ही जगह रहते हैं वृक्ष लता घास आदि स्थावर प्राणी है वे सब के सब मेरी अपरा और परा प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि जो भी चीज हम लोग देखते हैं
वो परा और अपरा के संयोग से ही प्राणी बनते हैं। फिर सारी कैटेगरी, स्थावर देखो, जंगम देखो, कोई भी देखो, वो परा और अपरा प्रकृति के संबंध से ही हम देख सकते हैं। वही ये दोनों ही उनका जन्म स्थान है। एतद् योनिनि, परा और अपरा ये दोनों ही सभी जीवात्माओं के या सभी प्राणियों के जन्म स्थान है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। इसी प्रकार से गीता के 13वें अध्याय में और एक जगह इस प्रकार का वर्णन हम लोग पाते हैं। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित्, जो भी कोई चीज का सृजन होता है, सत्वम स्थावर जंगमम, यदि वो स्थावर भी जीव क्यों ना हो, प्राणी क्यों ना हो, और जंगम, स्थावर मतलब एक जगह रहने वाला जैसे वृक्ष लता आदि, और जंगम मतलब चलने वाला पशु पक्षी कीटक मनुष्य आदि, ये कैसे होते हैं? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों के संयोग से होता है। तो क्षेत्र क्या है? क्षेत्र का अर्थ होता है ये शरीर, और क्षेत्रज्ञ का अर्थ होता है आत्मा, जो शरीर को जानने वाला है वो है आत्मा। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से सारे स्थावर और जंगम वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। तद विद्धि वर्तर्षभ, हे अर्जुन तद विद्धि, उसे आप समझो, उसे आप जानो। तो इस श्लोक में जो भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग किया है वो हम लोग पिछले श्लोक में अलग रूप से देखे हैं। तो यहाँ पर दोनों की तुलनात्मक रूप से स्पष्ट किया गया है कि जो 13वें अध्याय का 27वां श्लोक जो हमने देखा, यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि वर्तर्षभ, तो जो जिस शब्द को, जिस प्रकृति को क्षेत्र कहा गया है उसे ही छठे श्लोक में 7वें अध्याय के अपरा प्रकृति कहा गया था, और जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है, क्षेत्रज्ञ वो परा प्रकृति है। तो केवल छठे नहीं, हम लोग जो है वो 4 से 6 श्लोक देख सकते हैं संपूर्ण परा और अपरा प्रकृति। तो क्षेत्र हो गया अपरा प्रकृति और क्षेत्रज्ञ हो गया परा प्रकृति मतलब आत्मा। तो इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही सारी सृष्टि बनी हुई है, ऐसा 13वें अध्याय में भगवान कहे। और अभी आज के 7वें अध्याय के 6 श्लोक में क्या कह रहे हैं कि अपरा प्रकृति और परा प्रकृति ही जो है वो सर्वाणी भूतानि योनिनि, ये सभी सभी भूतों की, सभी प्राणियों के जन्म स्थान है, इस प्रकार से भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण के द्वारा सदैव समझाते थे, जैसे आप देख रहे होंगे एक है वाहन और एक है वाहन चालक। यदि चालक नहीं है तो वाहन अपने आप कहीं पर नहीं जा सकता, एक ही जगह स्थित रहेगा। वाहन और वाहन चालक ये दोनों के संयोग से ही वाहन चल सकता है, अन्यथा नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से इस जगत में हम लोग देखते हैं कि ये जो अपरा प्रकृति है वो एक वाहन के समान है और परा प्रकृति चालक के समान है। तो ये दोनों का जब संयोग हो जाता है तो इससे जन्म होता है कार चलने का। उसी प्रकार से सारी जीवात्माएं चल पाते हैं, सजीव जिन्हें हम लोग कहते हैं, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, प्रकृति में कुछ है ही नहीं, जड़ है प्रकृति, उसमें चेतना नहीं है। हमने देखा था स्पष्टकरण जब देखा था तभी, और जीवात्मा जो है वो चेतन है, और इन दोनों का जब संयोग हो जाता है तब जन्म होता है प्राणियों का, इन दोनों के अलावा नहीं तो कुछ नहीं है। तो इस संसार में जो भी कुछ हम लोग देखते हैं वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग केवल क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही है, अन्यथा नहीं है। आधुनिक विज्ञान में जो लोग हैं वो केवल क्षेत्र के ऊपर महत्व बुद्धि रखते हैं, केवल वाहन के ऊपर लक्ष्य है लेकिन चालक के ऊपर लक्ष्य नहीं है, केवल अपरा प्रकृति लेकिन परा प्रकृति की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। श्रील प्रभुपाद जी
एक बार जब विदेश में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत प्रसिद्ध संस्था है MIT, वहां पर शिल प्रभुपाद जी प्रवचन के लिए गए थे, तो वहां पर शिल प्रभुपाद जी ने पूछा कि डू यू हैव एनी डिपार्टमेंट विच स्टडी अबाउट द सोल, आत्मा के विषय में अध्ययन करने वाला कोई विभाग आपके यहाँ पे है क्या? तो वो कहे नहीं है हमारे यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे भले आप कितना भी बड़ा यूनिवर्सिटी क्यों ना खड़ा कर लो, लेकिन आपको जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है तब तक आपका ज्ञान अधूरा है। तो हमारा ज्ञान पूर्ण तभी होता है जब हम चेतन और जड़, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के बारे में जब जानकारी रखेंगे तब जाके हमारा ज्ञान पूर्ण हो सकता है। श्रीधर स्वामी बहुत सुंदर अपनी टीका में लिखते हैं इसी श्लोक में, प्रकृति ही देह रूपेण परिणमते, प्रकृति जो है वो इस देह के रूप में हम देख पाते हैं, परिणाम के रूप में देख सकते हैं प्रकृति को। चेतना तो मद अंश भूता भोक्तृत्वेन देहेषु प्रविश्य स्वकर्मणा तानि धारयति। चेतना का अर्थ है आत्मा, आत्मा चेतन, चेतनात्मा तू, किंतु मद अंश भूता, मेरा अंश होने के कारण भोक्तृत्वेन, भोक्ता भाव रखकर देहेषु प्रविश्य, इन देहों में प्रवेश करता है और स्वकर्मणा तानि धारयति, अपने कर्मों के माध्यम से उसने इस जड़ प्रकृति को धारण कर रखा है। तो देह रूप में है प्रकृति और आत्मा जो कि भगवान का अंश है। गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं ममैव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो आत्मा है वो भगवान का अंश है, मम मद अंश भूता भोक्तृत्वेन देहेषु प्रविश्य, वो भोक्ता बनकर देह में प्रवेश करता है और अपने कर्मों के माध्यम से उस प्रकृति का धारण कर रखा है। तानि धारयति स्वकर्मणा, अपने कर्मों के माध्यम से, फिर अपने पाप कर्म पुण्य कर्म इस प्रकार से अन्योन्य कर्म करता है और कर्मों के माध्यम से उसने इस शरीर को, उसके साथ साथ इस संसार को या इस जगत को धारण कर रखा है। तो भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, इति उपधारय, तुम इसे समझो। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, पिछले श्लोक में भी हमने देखा था विद्धि, इसे समझो, इसे जानो। यहाँ पर उपधारय शब्द भगवान कहते हैं कि तुम ऐसे तुम समझो, इति ऐसा। तो समझने के लिए कई सारे प्रयोग किए जा सकते, शब्द विद्धि भी एक है उसमें से, लेकिन भगवान एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। संस्कृत में एक धातु है ध्रुव धातु, ध्रुव धारणे, धारण करना, और लोट लकार का भगवान प्रयोग कर रहे हैं। भगवान आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को कि आप ऐसा करो। जब आज्ञा देनी होती है तब ये रूप प्रयोग होता है। तो ध्रुव धातु का शब्द बना है धारय, धारक, धारय का अर्थ होता है आप धारण करो, और उपधारय करते हैं कि अच्छे से धारण करो। जैसे धारण करो, केवल जानो, एक होता है जानना और एक होता है मानना। हम जानते हैं कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, सब हम जानते हैं, जानकारी है, लेकिन क्या हम वास्तव में मानते हैं? वो मानना महत्वपूर्ण है। तो जानना जब मानने में परिवर्तित हो जाता है तब उसे धारणा कहते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि इसे उपधारय, इसे आप धारण करो। जैसे कुर्ता दिया जाता है तो हम लोग कहते हैं कि कुर्ता धारण करो। तो कुर्ता धारण करो कहने का अर्थ है कि कुर्ता इस प्रकार से धारण किया जाएगा कि अभी वो मानो शरीर का हिस्सा बन गया है, अभी वो निकलेगा नहीं। तो उसी प्रकार से ऐसी उसे कहते हैं कि गहराई वाली समझ। तो अर्जुन ये परा प्रकृति या अपरा प्रकृति दोनों के संयोग से ही सृष्टि हो रही है और दोनों प्रकृतियां मेरी ही है, इसे उपधारय, इसे आप ग्रहण करो, इसे आप धारण करो, इसे आप अच्छे से समझो, नहीं इसे आप मानो। तो ये भगवान, और ये लोट लकार में प्रयोग करके भगवान इसे आदेश के रूप में प्रदान कर रहे हैं कि ये मेरा आदेश है कि आप इसे
धारण करो, इति उपधारय। तो ये आदेश अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें भी प्रदान कर रहे हैं कि हमें भी इसे बिल्कुल अच्छे से न केवल समझना है, जानना है, बल्कि हमें मानना भी है कि जी हाँ, इसके अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे वैज्ञानिक आके कुछ भी कह दे कि आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है, इससे मैटर प्रोड्यूसेस मैटर। प्रभुपाद जी की किताब भी है कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन की स्रोत जीवन ही है, बिना जीवन के दूसरा जीवन कोई उत्पन्न हो ही नहीं सकता। इसलिए सारे केमिकल्स भी आपके पास है, फिर भी हम लोग जीव सृष्टि की निर्मित नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वाणि भूतानि एतद् योनिनि, क्योंकि सारे जीवात्मा है तभी जन्म ले सकते हैं, तभी संभव है, जब परा और अपरा एकत्रित आ जाएगी तभी संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। तो जब हम इसे मान लेंगे तब जाके हम जो कि आधुनिक विकृत विचार सरणी है उसका हम लोग खंडन कर सकते हैं। तो भगवान अर्जुन को जो जो आदेश दे रहे हैं वो आदेश वास्तव में हमारे लिए भी है कि इति उपधारय, इसे आप धारण करो, न केवल समझो लेकिन इसे आप धारण करो। परा प्रकृति ने वास्तव में अपरा को अपना मान लिया है, उसी का संग लिया है, इसी से सब प्राणी पैदा होते हैं, इसको तुम धारण करो, अर्थात ठीक तरह से समझ लो। तो क्या है, प्राणी पैदा कैसे हो रहे हैं? क्योंकि परा प्रकृति अपरा को अपना मान बैठ रही है, आत्मा इस भौतिक संसार को अपना मान बैठे हैं, भगवान को भूल गए जो कि वास्तव में अपने हैं। मम एव अंशो जीवलोके, जीवात्मा वास्तव में भगवान का अंश है, लेकिन भगवान से विमुख होकर इस भौतिक प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ दिया है और उसे ही अपना मान बैठा है, उसी से उसका धार्यते जगत, उसने जगत को धारण कर रखा है। इसे आप ठीक से समझो, क्योंकि जब ठीक से समझ लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, तब फिर वहां से छूटना भी संभव होगा कि अरे नहीं, ये भौतिक संसार तो ये तो जगत रूप भगवान की शक्ति है, और भगवान की शक्ति का मैं अपने लिए भोग कैसे कर सकता हूँ, वो तो भगवान की सेवा में ही प्रयोग करना चाहिए। तब जाके उस चेतना में सेवा भाव आ जाता है और सेवा व्यक्ति से हो सकती है, और वो सेवा ही भगवत सेवा होके विराजमान हो जाएगी और फिर व्यक्ति बंधन से मुक्त हो सकता है। आगे भगवान कहते हैं कृत्स्नस्य जगतः, जैसे मैंने पहले भी बताया कृत्स्नस्य का अर्थ है संपूर्ण जगतः, जगत का, संपूर्ण जगत का भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, अहम प्रभवः तथा प्रलयः, मैं उत्पत्ति हूं तथा प्रलय भी हूं। मतलब भगवान से ही सब कुछ आता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, दसवें अध्याय में भगवान कहते हैं आठवें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं सभी का प्रभव हूं, मैं सभी का स्रोत हूं, सब कुछ मुझसे आता है। तो उत्पत्ति और प्रलय दोनों मैं ही हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। श्रीधर स्वामी पुनः एक बार हम लोग उनकी टीका की ओर जाएंगे, बहुत सुंदर प्रभव और प्रलय की परिभाषा देते हैं। प्रकर्षेण भवति अस्मात् इति प्रभवः, प्रभव का अर्थ क्या है कि प्रकृष्ट रूपेण भवति, द अल्टीमेट कॉज, अल्टीमेट कॉज भगवान है। और प्रलयति अनेन इति प्रलयः, द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर, द अल्टीमेट कॉज इज ऑल्सो कृष्णा एंड द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर इज ऑल्सो कृष्णा भगवान। तो भगवान ही है जो सबके परम स्रोत है और फिर परम विध्वंसक भी है, भगवान ही। तो जो भगवान के साथ उनके अलग अलग शक्तियों का संबंध है, ये कैसे हम लोग समझ सकते हैं? तो यहाँ पर दिया गया है, जो अपरा प्रकृति है वो भगवान के साथ कार्य कारण भाव में संबंधित है, समझ लीजिए अच्छे से। ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने कहा है कि इति उपधार, इसे आप धारण कर लो, अच्छे से समझो। तो अपरा प्रकृति, ये भौतिक संसार, ये भगवान के साथ क्या संबंध रख रहा है? कार्य कारण भाव का संबंध रख रहा है। कार्य कारण भाव क्या होता है, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं थियरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कार्य मतलब परिणाम और कारण मतलब जिसकी वजह से परिणाम हो रहा है। उदाहरण के तौर पे समझाता हूं, फैन चल रहा है ऊपर,
पंखा घूम रहा है और मैंने बटन शुरू किया है, तो बटन शुरू किया है तो बटन हो गया कारण, और फैन का घूमना, पंखे का घूमना, ये हो गया कार्य। हाँ समझ में, पंखे का घूमना है कार्य और उसका कारण क्या था, क्योंकि बटन चला गया है, और मूल कारण क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो गई और उसकी वजह से, बिजली की वजह से पंखा चला। तो कारण है कॉज और कार्य है इफेक्ट, उसका परिणाम क्या हो रहा है। तो इसी प्रकार से जो अपरा प्रकृति है, तो भगवान है कारण, भगवान की वजह से सब कुछ हो रहा है, और क्या हो रहा है उसे कहते हैं कार्य, वो है अपरा प्रकृति। तो भगवान का अपरा प्रकृति के साथ कार्य कारण भाव है, क्योंकि हमने देखा दोनों शक्ति भगवान की है, अपरा और परा भी, लेकिन परा प्रकृति भगवान के साथ कार्य कारण का भाव नहीं रखती। परा प्रकृति भगवान के साथ अंश अंशी का भाव रखती है। अंश अंशी का भाव क्या है कि अंश और अंशी, अंशी मतलब पूर्ण स्रोत, उसका छोटा सा अंश होता है, जैसे स्पार्क ऑफ द फायर, अग्नि, अग्नि का छोटा सा चिंगारी, अग्नि का छोटा सा चिंगारी वो है अंश, और वो कहाँ से आया है, अग्नि से आया है, तो पूरी अग्नि वो गई अंशी। तो परा प्रकृति यानी जीव भगवान का अंश है, जैसे हमने 15वां अध्याय का 7वां श्लोक देखा था, मम एव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो अंश शब्द का प्रयोग भगवान वहां पर कर भी रहे हैं। तो परा प्रकृति भगवान की अंश है और अपरा प्रकृति भगवान की कार्य है, दोनों के उद्गम स्रोत कारण भगवान ही है, लेकिन अपरा प्रकृति के साथ भगवान का कार्य कारण संबंध है और परा प्रकृति के साथ भगवान का अंश अंशी भाव में संबंध है। और ये प्रभव और प्रलय, भगवान ही सृष्टि करते हैं और भगवान ही विध्वंस के भी कारण है, प्रलय के भी कारण है, ये अन्य जगह पर भी 9वें अध्याय में हमने देखा था गीता के। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुरत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्ययम। तो इसकी विस्तृत व्याख्या हम तो पहले ही कर रखे हैं, 9वें अध्याय जब हमारा पूर्ण हुआ था। तो भगवान कहते हैं कि मैं इस संसार का प्रभव और प्रलय दोनों हूं। आज के श्लोक में भगवान वही कह रहे हैं कि प्रभव का अर्थ होता है सृष्टि करने वाले सृष्टा, और प्रलय का अर्थ होता है जो 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 विनाश करा देते हैं काल के रूप में। कालोस्मी लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। 11वें अध्याय में गीता में भगवान अपना परिचय काल के रूप में देते हैं जो प्रलय करने के लिए उपस्थित हुआ है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा, आज के श्लोक में सारांश रूप में क्या देखा, सर्वाणि भूतानि एतद् योनिनी, सारे जीवात्माएं। हमने देखा था 4थे श्लोक में भगवान ने अपनी अपरा शक्ति के बारे में बताया था, भूमि रापो नलो वायु खम्भनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृति नष्टदा, और 5वें श्लोक में परा प्रकृति के बारे में बताया था, अपरेयम् इतस्तु अन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धारयते जगत्। तो ये दोनों प्रकृतियां कैसे भगवान से आती है, अहम कृष्णस्य जगतः, तो दोनों प्रकृतियों के माध्यम से ही सृष्टि होती है और दोनों प्रकृतियां मेरे अधीन चलती है। 9वें श्लोक में, 9वें अध्याय में गीता में भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चर अचरम। तो आज के श्लोक में हम देख रहे थे कि सारी जीवात्माएं, सारे प्राणी, सर्वभूतानि फिर वो मनुष्य, देव, चलते फिरते पशु प्राणी, ये जंगम या फिर वृक्षलता इत्यादि स्थावर, ये जो भी कुछ क्यों ना हो, सर्वाणि भूतानि एतद् योनिनि, ये केवल परा और अपरा ही उनका जन्म स्थान है, परा और अपरा के संयोग के माध्यम से ही जो है वह सर्वभूतों का अस्तित्व हो सकता है। और हमने गीता के 13वें अध्याय से भी देखा था, यावत संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि भर्तृषु, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग के माध्यम से जो वो जो भी हम यावत संजायते किंचित, जो कुछ हम लोग इस संसार में देखते हैं वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है, ऐसा ही समझना चाहिए। तो जो क्षेत्र है वो अपरा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ जो है वो परा प्रकृति। और हमने उदाहरण देखा था श्रील प्रभुपाद जी जो बताते हैं कि वाहन और वाहन का चालक, चालक यदि नहीं है तो वाहन कितने भी समय तक एक जगह खड़ा रह जाए वो वैसे के वैसे ही रहेगा, वो एक इंच भी घूम नहीं पाएगा, आगे नहीं जाएगा।
तो चालक जो है वो परा प्रकृति है, वाहन जो है वो अपरा प्रकृति है, दोनों का एकत्रित मिलन होने से वाहन चलता है। भगवान कहते हैं इति उपधारय, इसे आप न केवल समझो किंतु ध्रुव धारणे धातु से आया हुआ शब्द हमने देखा था उपधारय, इसे आप धारण करो, इसे आप अच्छे से समझो, इसे केवल जानो नहीं इसे मानो, इसे केवल ज्ञान के रूप में नहीं बल्कि विज्ञान के रूप में स्वीकार करो, इसकी अनुभूति होनी चाहिए। और भगवान कहते हैं कि कृष्णस्य जगतः, संपूर्ण जगत का अहम मैं ही प्रभव तथा प्रलयः, मैं प्रभव भी हूं और मैं प्रलय भी हूं। तो हमने श्रीधर स्वामी के टीका से देखा था प्रकर्षेण भवति अस्मात् इति प्रभवः और प्रलयति अनेन इति प्रलयः। लॉर्ड इज द अल्टीमेट कॉज एंड द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर, भगवान ही कारण है, इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं ना ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के वो परम कारण है, एब्सोल्यूट इसे कहा गया है, एब्सोल्यूट कॉज। और हमने देखा कि किस प्रकार से और भगवान का इन शक्तियों के साथ क्या संबंध है, तो अपरा प्रकृति के साथ भगवान का कार्य कारण भाव में संबंध है। कार्य और कारण मैंने बताया था, पंखा घूम रहा ये कार्य है, तो बिजली का प्रवाह शुरू किया है वो कारण है, तो भगवान कारण है और ये सृष्टि कार्य है। तो प्रकृति अपरा प्रकृति और भगवान में कार्य कारण का संबंध है, और उसके साथ साथ जो परा प्रकृति है उनमें भगवान, उनका भगवान के साथ अंश अंशी का संबंध है। भगवान अंशी है और जीवात्मा अंश है, मम एव अंशो जीवलोके, इस प्रकार से अंश और अंशी का संबंध है परा प्रकृति के साथ। और भगवान ने अलग कई जगह पर भी अपने आप को प्रभु और प्रलय के रूप में प्रस्तुत किया है, वो हमने 9वें अध्याय के गीता के श्लोक के माध्यम से भी देखा था। तो इस प्रकार से भगवान ने इस श्लोक में हमें यह शिक्षा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।